हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी तिल के लड्डू। ये मकर संक्रांति के दौरान खास तौर पर बनाया जाता है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठंडियों के सीजन में भी इसका सेवन किया जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तिल का लड्डू बनाने के लिए एक बड़े कढ़ाई में मैं यहाँ पर 500 ग्राम, मेरे पास पॉलिश्ड तिल है। ये सफ़ेद तिल है, आप देख सकते हैं। पॉलिश्ड तिल मतलब इसका जो ऊपर का जो परत है वो निकाल दी जाती है, जिसे हस्क हम कहते हैं, वो निकाल दी गई है। इसीलिए ये थोड़ा सा और ज्यादा सफेद दिखता है। तो इसे हल्का सा मुझे धीमी आंच पर रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद ये हल्का सुनहरा रंग का हो जाता है और थोड़ा ज्यादा क्रंची हो जाता है। इसका फ्लेवर उतना ही ज्यादा शार्प हो जाता है रोस्ट करने से। तिल का लड्डू हर एज के लोगों को बहुत पसंद आता है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ये बहुत पसंद आता है। मकर संक्रांति के दौरान इसे हर कोई बनाना पसंद करता है। ये सभी घरों में आपने देखा होगा, तिल का लड्डू मकर संक्रांति के दौरान बनाया जाता है। अब हमारा ये तिल यहाँ पर भून कर तैयार हो गया है। तो इसे मैं एक बड़े भगोने में निकाल लूँगी और फिर इसके बाद मैं इसमें गुड़ को पिघलाने के लिए रख दूंगी। तो कढ़ाई में मैं करीब आधा छोटा बाउल पानी डालकर इसमें मैं गुड़ डाल दूंगी पिघलने के लिए, और इसे पूरी तरह पिघलने तक पका लेना है। पूरी तरह पिघलने के बाद इसे तीन तार की कंसिस्टेंसी आने तक इसे पकाना है। या आप इसे एक कटोरी में पानी लेकर कुछ बूंदें डालें तो वो नीचे सतह में जम जाए, उस कंसिस्टेंसी तक पकाना है। तीन तार की कंसिस्टेंसी आने के बाद ये कढ़ाई से अपने आप जो गुड़ है अलग होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। इसे अगर उंगलियों के बीच में लेंगे तो तीन स्टिकी धागों की तरह ये बनने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक बाउल में थोड़ा सा डालकर चेक कर लूंगी, तो जिससे पता चल जाता है कि ये गुड़ तैयार है। इसे आखिर में थोड़ा सा इस तरह से फेंट लें, जिससे कि ये लड्डू बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर मेरे पास करीब 200 से 250 ग्राम भुना हुआ पीनट्स है, यानी कि मूंगफली, जिसे क्रश कर लिया है, उसका छिलका उतार लिया है, और उसे भी डालकर इसमें मैं ये गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिक्स हो गया है। हल्का सा घी हाथों में लगाकर हथेलियों की सहायता से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेकर इसका लड्डू बना लें। सावधानी बरतें, ये बहुत गर्म होता है। आपको काफ़ी जल्दी जल्दी लड्डू बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये ठंडा होने पर कड़क हो जाता है। आखिर में थोड़ा मिक्सचर अगर ठंडा होने लगे तो आप उसे फिर से हल्का सा गर्म कर लें और फिर लड्डू बना लें। तो यहाँ पर हमारा तिल गुड़ तैयार है। आप इसे बनाएं, मकर संक्रांति त्यौहार का आनंद उठाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी फेस्टिवल रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना ना भूलें, इससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।